यह है रामझूला पार्किंग और यहाँ से आपको दिखाऊंगा खूबसूरत नज़ारा। बाकी ले चलता हूँ मैं आपको रामझूला और देखिए आप पार्किंग पूरी फुल है पर राफ्टिंग भी हो रही है। यह है जानकी सेतु पुल आगे जो आप देख रहे होंगे और मार्केट की तरफ दोस्तों काफ़ी भीड़ है तो आपको ले चलता हूँ आगे। यह है इसकी का मार्केट काफ़ी खूबसूरत मार्केट है सेम हरिद्वार की तरह है। हरिद्वार और इसी में कुछ फ़र्क नहीं है बस नाम का फ़र्क है। और देखिए आप राफ्टिंग भी हो रही है और नाव भी चल रही है। देखिए आप ये कौन सा घाट है ये घाट कौन सा है शत्रुघ्न घाट है ठीक है। तो दोस्तों ये है शत्रुघ्न घाट और घाट की एक अपनी ही रौनक है इस घाट की और आपको घाट पर सब कुछ मिल जाएगा खीरे गोलगप्पे भुट्टे। ये नाव तो जा रही है पर इस तरफ अगर आप ऋषिकेश आना चाहते हैं नाव में घूमना चाहते हैं तो आप ये नाव आ चुकी है इनसे पूछते हैं भाई जी से भाई जी नाव में घूमने का कितना लेते हो इसमें हो या उसमें हो किसी में भी हो तीनों में से किसी में भी 18 का टिकट आना जाना कितने का 1800 का 18 रुपए का कितना आना जाना जाना कहाँ तक जाना है बस इस तरफ से उस तरफ जाना आना अच्छा पार गंगा जी पार करवाना 18 रुपए एक आदमी का सस्ता है तो सस्ता रहती है इनका ट्रैवल पे आना जाना। अच्छा ऐसे में जाने को नहीं है जैसे राफ्टिंग वाले जा रहे हैं आगे की तरफ जानकी सेतु पुल की तरफ उसका अलग चार्ज लगता है पर उसके लिए वही बताएंगे। अच्छा वही बताएंगे काउंटर पे जाओगे वही बताएंगे। अच्छा नाव जा रही है आगे है ना तो आपको दिखाता हूँ मैं गंगा जी का खूबसूरत नज़ारा। अगर आप आना चाहते हैं ऋषिकेश और गंगा जी में आप नाव की सैर करना चाहते हैं तो 18 रुपये एक आदमी है अप डाउन यहाँ से जाना आप देख रहे होंगे नाव जा रही है पर वहाँ से वापस आएगी इस तरफ तो 18 रुपये ठीक है। और बाकी आप अगर राफ्टिंग का शौक़ रखते हैं तो आप राफ्टिंग भी कर सकते हैं। राफ्टिंग का कितना होगा किराया राफ्टिंग का अलग-अलग दिन में अलग-अलग रेट है। अच्छा राफ्टिंग के कितने हैं अलग-अलग दिन में जैसे सैटरडे संडे को अलग रेट है और मंडे को अलग रेट है मंडे से फ्राइडे तक। अच्छा रेट अलग रहता है जितना क्राउड होता है उसी के ऊपर रेट उनका डिपेंड होता है। वैसे नॉर्मल कितना है रेट 620 का चलता है 620 कहाँ से ब्रह्मपुरी से कहाँ तक रामझूला आगे तक तो राम वही कह रहे रामझूला तो ये रहा यहाँ से वहाँ तक एंडिंग पॉइंट होता है जानकी सेतु तक ऐसे इसी बीच रोक सकते हैं। अच्छा 620 रुपये पर पर्सन और आज का सीजन चल रहा है तो सीजन में 800-1000 तक भी हो जाता है रेट इनका। अच्छा 1000 तक भी हो जाता है क्राउड के ऊपर डिपेंड होता है रेट का। अच्छा नॉर्मल रेट है 620 का चलता है। ये जा रहे होंगे उस तरफ घूमने के लिए भरमण जैसे कि इसमें राफ्टिंग के अलग मजे हैं देखिए आप और नाव भी बढ़ चुकी है अब और नाव स्टार्ट हो चुकी है ये देखिए आप ये राफ्टिंग वाओ खूबसूरत नज़ारा किसी केस का। दोस्तों ऐसा नज़ारा आपने कभी देखा नहीं होगा और आप कह रहे थे कि आप किसी केस की वीडियो बनाओ तो आप नाव में आ सकते हैं 18 रुपये एक व्यक्ति का किराया है तो आप आराम से घूम सकते हैं और सामने है रामझूला देखिए आप काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है किसी केस का।
लेकिन ये राम झूला है पूरा। और इस तरफ जा देख सकते हैं, और वो जानकी सेतु पुल है, मैंने आपको बताया होगा। अच्छा कहाँ तक जाएंगे, जहाँ पे गंगा दर्शन लिखा है, फिर वहां से वापिस भी। तो काफ़ी सारे तीर्थ यात्री पहुँचे हुए हैं, श्रद्धालु लोग पहुँचे हुए हैं ऋषिकेश में। तो आपको ले चलता हूँ यहाँ से आगे, और देखिए आप, तो इस तरफ भी लाइन लगी हुई है इस तरफ जाने के लिए। तो अंकल जी ने कहा कि आपको जिस तरफ ले जाया जाएगा फिर वहाँ से वापस भी लाया जाएगा। तो देखिए सामने पर्ची कट जाती है, और पर्ची कटने के बाद आप दोनों तरफ आ जा सकते हैं, आप वहाँ से इस तरफ आ सकते हैं, इसके बाद आप घूमने जा सकते हैं यहाँ से ऊपर। पर्ची कटने के बाद आप दोबारा किसी भी नाव में जा सकते हैं, आना जाना एक तरफ का, पर्ची आपको अपने पास रखनी होगी। और ये लाइन देखिए नाव में घूमने के लिए उस तरफ, उस पार जाने के लिए। तो आपको ले चलता हूँ आगे, तरफ से आने के बाद आप छोटी वाला होटल है सामने, और नीलकंठ पैदल मार्ग भी है इस तरफ से, और परमार्थी केतन की आरती भी होती है शाम को और सुबह। तो आप इस तरफ जा सकते हैं, जानकी सेतु पुल अद्भुत पुल भी है। और ये राम झूला का पुल, काफी भीड़ है। हाय हाय हाय, सब पूरा पुल दिखाऊंगा आपको, और इस समय पुल में काफी भीड़ है। अगर आप पैदल आना चाहते हैं तो पैदल भी आ सकते हैं पुल के रास्ते, और बाकी आप अगर आप नाव में आना चाहते हैं तो नाव में भी आ सकते हैं। बाकी काफ़ी सारे यात्री पुल के रास्ते आ रहे हैं, और पुल के रास्ते भी वापस जा रहे हैं। मैं आया नाव से था, और जा रहा हूँ पैदल राम झूला से। तो दिखाऊँगा आपको मार्केट का नज़ारा, तो देखिए आप पूरे पुल पे जाम लगा हुआ है। जाने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगी आपको अगर आप अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं, बाकी आप अगर सिंगल हैं तो आप आराम से जा सकते हैं, क्योंकि फैमिली के साथ थोड़ा बच्चे भी बैग भी केयर करना होता है। इसके इस आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों यह है ऋषिकेश का मार्केट, जो राम झूले से लगा हुआ मार्केट है। तो ये मार्केट भी देखिए आप, और इस मार्केट में काफ़ी रौनक रहती है, सेम हरिद्वार जैसा है मार्केट। और देखिए, तो आपको पूरा मार्केट दिखाता हूँ मैं, और इस रास्ते जा रहा हूँ मैं राम झूला पार्किंग पर, क्योंकि मेरी गाड़ी वहीं खड़ी है। तो आप मार्केट का नज़ारा लेते हुए चले। अगर आप आए हैं इस मार्केट पर तो आप देख सकते हैं दोबारा मार्केट की रौनक, क्योंकि समय सीजन चल रहा है, चार धाम यात्रा अपने चरम सीमा पर है।
काफ़ी सारे टूरिस्ट लोग पहुँचे हुए हैं इस केस में भी। ये देखिए आप, आपको हर प्रकार की मूर्तियाँ मिल जाएंगी यहाँ पे। शिवा आर्ट। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।